डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथी का हुआ असम्मान। अलीगंज में भारतीय जनता पार्टी के विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन का अतिथियों द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं इसके विपरीत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथी को सम्मान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप वह कार्यक्रम में जनता के बीच बैठने को विवश रहे। गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में भाजपा के कार्यक्रम में बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं को सम्मान स्थान दिया गया था। नगर के बुजुर्ग डॉक्टर प्रसादी लाल कश्यप, जिन्होंने कश्मीर बचाओ अभियान के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वर्ष 1953 में जम्मू कश्मीर में जेल काटी। जेल में ही उस समय डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। अलीगंज में भाजपा के कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर प्रसादी लाल कश्यप को संबोधन के लिए तो बुला लिया, लेकिन मंच पर किसी ने भी स्थान नहीं दिया। बाद में अलीगंज विधायक ने अपने संबोधन में डॉक्टर प्रसादी लाल का नाम दो बार जरूर ले दिया। भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है और वो जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मंच पर बुलाया भी नहीं जाता है और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के ऊपर ही आगे जो निर्णय लेती है वो उन्हीं के आधार पर निर्णय लेती है और जब उनका पूजन या प्रदीप दीप प्रज्वलित जब किया जाता है उस समय हम जैसे आदमी को बुलाया भी नहीं जाता। इस पर यही कहना है कि आजकल की जो नई खेल है वो संघ के संस्कारों को और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को और पंडित दीनदयाल जी के भी बलिदान को कुछ महत्व नहीं देते हैं। ये दिखावटी है सब के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी का चित्र वहाँ रख के और उन माला पर अर्पण करते हैं और ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में नए नए लोग जिनके कोई संस्कार नहीं और बाहर के पार्टियों को लोग घुस के आए हैं उनको कोई जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत कोई पता नहीं है, ऐसे लोग उसमें घुस के आए हैं और वो लोग सम्मान देना नहीं जानते हैं और ऐसे लोग जो है वो ही पार्टी की छत को खराब करते हैं और और ये संस्कारित नहीं है ना इन पर कोई संस्कार है इसलिए जो है और बाकी 20-50 आदमियों में एक दो आदमी जब संस्कारित पहुँचते हैं उनकी भी बात नहीं सुनी जाती है। अगर यही हाल रहा तो आगे भाजपा का भविष्य खराब होगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं और
ये पार्टी को चला रहे हैं और वो पार्टी के बहुत बड़े भक्त हैं, उनमें कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है और वो उनका बहुत ऊंचा चरित्र है। देश उनका भी नरेंद्र मोदी जी का जो ध्येय है वो ध्येय हमारा भी है। हम केवल देश के बारे में सोचते हैं और इस बारे में नहीं सोचते हैं मान सम्मान हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है और हम देश के ही हित में सोचते हैं। एटा अलीगंज से टाइम्स एटी न्यूज़ के लिए गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट।